झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है और आज से प्रकृति पर्व की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर सरना समुदाय के लोग पूजा अर्चना की शुरुआत के साथ तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में आज का दिन मछली और केकड़ा पकड़ने का भी दिन माना जाता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य पाहन जगलाल पाहन जी है। पाहन जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। देखिए, आज सरहुल का जो पहला दिन है, उपवास का दिन है, और ये सरहुल जो है प्रकृति का पूजा है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को समझा है, जाना है, प्रकृति के साथ में रहा है, उसका हर चीज़ों को समझा, और इस तमाम चीज़ों को जानने के बाद में हमारे पूर्वज ये प्रकृति को कैसे हम लोग अच्छा से रखे, कैसे हम लोग इसको बचा के रखे, कैसे इनके द्वारा हम तमाम मनुष्यों का जीवन है, तो इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद में लोग प्रकृति का पूजा एक दिन विशेष रूप से सरहुल पूजा के रूप में हमारे पूर्वज प्रारंभ किए। जैसे है कि आज उपवास का दिन है, और उपवास के दिन में तमाम जो हमारा जो सरना समुदाय के जो बुजुर्ग होते हैं, किसी न किसी एक व्यक्ति को उपवास में रहते हैं। आज उपवास में थे, अभी सेकेंड हाफ में अपना उपवास, अपना पूजा पाठ करने के बाद में उसको तोड़ेंगे। और हमारे जो नवयुवक है, आज के दिन तमाम लोग केकड़ा और मछली भी पकड़ने चले गए हैं। देखिए, आज जो मने कि जल रखाई पूजा संध्या में जो होगा, तो उसको हम लोग जो पारंपरिक विधि विधान के साथ हम लोग पूरा करेंगे। अपने बंधु बांधव के साथ में हम लोग जाएंगे तालाब नदी से जल में दो घड़ा में लाएंगे, उसको हम लोग पूजा करने के बाद में उसको जो सुबह को हम लोग उसको देखेंगे, आलोकन करेंगे कि जल का जो घड़ा में दो घड़ा में रखा हुआ जल का स्तर कैसा है। तो इससे हम लोग उसको देखने के बाद में अनुमान लगाएंगे कि बारिश कैसी होगी, किधर से होगी, तो ये हम लोग अनुमान लगाते हैं। हुए ईश्वर से क्या कुछ मांगा जाएगा, खास करके झारखंड राज्य के लिए? विशेष रूप से देखिए, इसमें हम लोग अपने जो भी है कि हम लोग को अच्छी बारिश हो, खेत खलिहान भरा पूरा हो, और उसके बाद में संसार के तमाम छोटे बड़े जीव जंतु जो भी मानव दानव सभी सुख शांति और समृद्धि सबको प्राप्त हो, खुशहाल रहे, स्वास्थ्य रहे, ये होता ही है। लेकिन विशेष अभी प्रकृति के साथ में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो छेड़छाड़ हो रहा है, जिसे हम लोग देख रहे हैं आज क्या स्थिति है, दो साल हम लोग ये प्रकृति के कुछ छेड़छाड़ के वजह से हमको लगता है कि इस तब हुआ है, और आगे भी हम लोग देख रहे हैं जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, फलना हो रहा है, तरह तरह का जो रोग हो रहा है। तो हम लोग इस बार जो है सभी कोई वो अपने जो भी है, हमारे जो सिंह बोंगा है, हमारे जो इष्ट देवों से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि कम से कम जो अभी का जो स्थिति है, कोरोना जो अभी समाप्त होने के कगार में है, वो शीघ्र समाप्त हो जाए। अन्य जो बीमारियां अन्य जो देशों में भी फैल रहा है, तो वो भी मने कि ना फैले, और सभी कोई स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, इस तरह का हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्लस भी लगातार आप लोगों से कहता है कि फिलहाल कोरोना काल की चुनौतियों के बाद पर्यावरण जो हमें मिला है, इसे संरक्षित रखने का, इसे बचाने का प्रयास करें, और अपने जीवन को स्वयं सुरक्षित रखने का प्रयास करें। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।